एक और हमारे व्यूवर्स हैं, ये राधा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि बच्चे के लिए कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है। देखिए, जो मार्केट में जो सोप हैं बहुत सारी वैरायटी के अवेलेबल है और उनके पीएच भी अलग अलग होते हैं। पीएच से हम ये पता करते हैं कि साबुन जो है वो एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल पीएच का है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका जो स्किन होता है उसमें एसिडिक मेंटल एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका जो पीएच है वो 4.5 से 6.2 के बीच होता है, 4.5 से 6.2, और ये मेंटेन रहना चाहिए। स्किन नहीं तो डैमेज हो सकती है अगर आप गलत साबुन इस्तेमाल करेंगे। और जो मार्केट में जो साबुन होते हैं वो अलग अलग पीएच के अवेलेबल हैं, उनमें 4.4 पीएच से लेके 7.9 पीएच तक के साबुन मार्केट में आते हैं या लिक्विड सोप आते हैं। तो जब आप बेबी के लिए, आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए जब आप कोई सोप या सिंडेट बार या लिक्विड सोप लेते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना है उसका पीएच कितना। उसमें आप पढ़ लीजिए, पीएच लिखा रहता है तो वो 5.5 होना चाहिए, वो बेबी को सबसे ज़्यादा सूट करेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगा। ये 5.5 जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट रहेगा बेबी स्किन के लिए। और दूसरा, वो फ्रेग्रेंस जो है वो उसमें कोई गंद या स्मेल नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई खुशबूदार साबुन इस्तेमाल करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर उसमें किसी तरह की खुशबू है, कोई फ्रेग्रेंस है, इसका मतलब उसमें कोई केमिकल एडिड है जिसकी वजह से वो है। तो न्यूबॉर्न बेबीज की आप बाथिंग में अवॉइड करिए इस तरह की चीज़ें, फ्रेग्रेंस फ्री इस्तेमाल करिए और पीएच जो है 5.5 वाला साबुन आपको या लिक्विड सोप यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए।